नमस्कार। लॉकडाउन 4 लग चुका है और ऐसे में दुकानदारों को काफी राहत अवश्य मिली है। अब ऑड और इवन के हिसाब से दुकानों को खोला जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि बाजार खुल चुके हैं और साथ ही साथ जो शराब के ठेके हैं वो भी यहाँ पर जो है खुल चुके हैं। इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुँचाई जा सके। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी दिनों से जो शराब के ठेके थे वो बंद थे, दुकानें बंद थी। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि दुकानदारों के लिए एक राहत भरी खबर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले से। करनाल के पुरानी सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शराब के ठेके थे वो बंद थे, वो खुल चुके हैं। और बाजार भी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बाजार भी खुलते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का साइम जो समय है वो दिया गया है। ओल्ड इवन के हिसाब से जो है दुकानें खोली जाएंगी। सम विषम संख्या यानी कि आज 24 तारीख है तो इवन नंबर जो है वो आज खोला जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि बाजारों में चहल पहल देखने को अवश्य मिल रही है। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की। दुकानदारों के लिए एक राहत भरी खबर अवश्य जरूर है। आप ये देख सकती हैं कि जैसे ही सुबह सुबह 7 बजे लोगों को पता चला कि बाजार खुलने लगा है और फिर उसके बाद आप ये देख सकती हैं कि जो खरीदार हैं उनकी यहाँ पर जो है संख्या भी काफ़ी देखी जा सकती है। इस वीडियो को आप साथ साथ शेयर भी अवश्य करें और जनता से भी पूछना चाहेंगे कि 7 से लेकर 12 बजे तक का जो समय दिया है क्या वो ठीक समय है? आप बताएं, आप दुकानदार हैं, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय दिया है क्या उचित समय है ये? हम स्टेंसल गुड्स में आते हैं जी, हमारा टाइम 6 बजे तक का है जी। तो आपका 6 बजे तक खुलेगा, 12 बजे तक आपका नहीं खुलेगा? और तो ये 12 बजे वाले, ये बराबर वाले हैं, ये बराबर वाले हैं। चलिए इनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनकी जो है एसेंशियल्स सर्विस में आती है, चूंकि इनका जो समय है वो 6 बजे तक का है। एक और दुकानदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की फिलहाल पूरी कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं मोबाइल्स की जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर जो है खुल चुकी हैं। 12 बजे तक का जो समय है वो यहाँ पर अवश्य दिया गया है। आप इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर अवश्य करें। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहाँ पर क्योंकि काफ़ी समय से जो दुकानें हैं वो बंद थी, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। लेकिन अब राहत भरी जो खबर है वो यहाँ पर अवश्य देखने को मिल रही है। हालांकि दुकानदारों ने भी किस तरीके से पूरा एक मास्क प्रॉपर लगाया हुआ है और एक शील्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जो है यहाँ पर एक शील्ड लगाई गई है ताकि वायरस अंदर तक ना पहुँचे। तो दुकानदार भी कहीं ना कहीं जागरूक अवश्य हो चुके हैं। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि चहल पहल फिर से दोबारा से जो है वो लौट आई है। लेकिन 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही आपको दुकान खोलने का समय दिया गया है। ओड इवन के हिसाब से आप दुकान खोल सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जो शराब के ठेके हैं वो भी खुलते हुए फिलहाल दिखाई दे दिए गए हैं। ये शराब के ठेके कब तक खुलेंगे अभी तक जो है इसकी जानकारी नहीं है। 12 बजे तक का समय जरूर दिया गया है। आप इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दें। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चहल पहल दोबारा से जो है यहां पर देखने को मिल रही है। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है दुकानें खोली जा सकती हैं। हालाँकि काफ़ी दुकानें बंद अवश्य हैं। ये आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर खुल चुकी है। ओड इवन के हिसाब से, ओड इवन के हिसाब से अब आप दुकान खोल सकते हैं। सम विषम यानी कि आज 24 तारीख है तो इवन नंबर जो है आज खोला जाएगा। तो काफ़ी राहत जरूर है। लॉकडाउन 4 की अगर हम बात करें तो काफ़ी राहत अवश्य है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की। जो दुकानें पहले खुली हुई थी, जो एसेंशियल सर्विसेज में आती थी, उसका फिलहाल जो है जैसा कि दुकानदार ने हमें बताया कि 6 बजे तक का समय उसका निर्धारित है। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि बाजार जो है वो यहाँ पर खुलते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी समय से शराब के ठेके भी बंद थे और आप ये देख सकते हैं कि शराब के जो ठेके हैं वो भी यहाँ पर खुल चुके हैं। हालांकि ये पता नहीं है कि ये 12 बजे तक खुलेंगे या फिर 12 बजे से आगे तक का समय बढ़ाया जाएगा, इस विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर अवश्य करें। एक राहत अवश्य है, काफ़ी लोग जो है अपने घरों में बने हुए थे। और एक और जानकारी देना चाहेंगे कि लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ अवश्य नज़र आया है। कल 199 जो केस आए थे वो कल की हम आपको ये रिपोर्ट बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
वहीं अब जो कोरोना के केस हैं वो भी काफ़ी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हमको सभी को एक सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो अवश्य करनी है ताकि कोरोना की महामारी और अत्यधिक ना हो सके। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर आप साफ तस्वीरों पे देख सकते हैं कि बाजार खुल चुके हैं, जो शराब के ठेके हैं वो खुल चुके हैं। 12 बजे तक का समय सरकार ने अवश्य दिया है कि 12 बजे तक ही आप इन दुकानों को खोल सकते हैं। क्या ये समय आगे बढ़ाया जाएगा? काफ़ी जो दुकानदार है उनका ये मानना है कि समय को आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, क्योंकि 11 बजे के आसपास ही जो आवाजाही है वो लोगों की शुरू होती है। तो फिलहाल कई दुकानदार संतुष्ट भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं, जूते की दुकान हो, रेडीमेड की दुकान हो, तो सभी जो दुकानें हैं, मोबाइल की दुकान हो, वो यहाँ पर फिलहाल खुलती हुई दिखाई दे रही है। एक और दुकानदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। 7 बजे से लेकर आज के टाइम में जी 9 से 2 सही टाइम रहेगा जो कस्टमर की बात है। अगर आप देखा जाए तो बच्चों के आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सुबह कोई उठता भी नहीं, सुबह क्लासेस 12-1 बजे तक क्लासेस चलती हैं। फिर लेडीज वगैरह तो मार्केट में आ नहीं सकती जो बच्चों को पढ़ाती हैं। तो ऑड इवन के हिसाब से आपसे आपकी कौन सी दुकान आती है यहाँ पर? सर अभी तक कुछ है, आप इस वीडियो को फिलहाल आप साथ के साथ शेयर भी करें। आप ये देख सकते हैं कि जिन लोगों ने गारमेंट्स लेना हो, जूते खरीदने हो, तो वो बाजारों में आ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि दुकानें यहाँ पर खुल चुकी है। एक राहत भरी खबर अवश्य है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ये जानकारी हर हक तक पहुँचाई जा सके। लगातार आपको इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे आप।